मुझे समझ नहीं आ रहा इस मूवी को देखने के बाद मैं क्या रिएक्शन दूं। सच में यार मेरे पास कुछ बोलने को ही नहीं है, बट मुझे मूवी का रिव्यू तो करना ही पड़ेगा ना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं दुर्गामती द मिथ मूवी के बारे में, जिसे कॉपी किया गया या फिर मैं कहूं जिसे रीमेक मतलब बात तो एक ही है ना, कॉपी का नया मीनिंग तो एक तरीके से रीमेक ही है। ये रीमेक है भागमती मूवी का, जो एक तेलुगु मूवी है यानी साउथ इंडिया की मूवी है, और इसे डायरेक्ट और राइट उसी इंसान ने किया है जिन्होंने जो ओरिजिनल मूवी थी भागमती उनको जो उसको जो डायरेक्ट किया था यानी अशोक जी ने। इस मूवी को आप अमेजोन पर देख सकते हैं, करीबन 2.5 घंटे की मूवी है। मैं इस मूवी के डायरेक्टर से यही पूछना चाहता हूं कि इनको क्या जरूरत थी, कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी थी कि भाई हाँ एक जो बागमती अच्छी खासी मूवी है उसका इस तरीके से कचरा करके दुर्गामती बनाया जाए। इसमें काश भूमि पडनेकर, माही गिल, अरशद वारसी और बाकी अन्य कलाकार। अब देखो अगर इसकी कहानी के बारे में बात करूं, जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा तो ज्यादातर कहानी वहीं से समझ आ जाती है, फिर भी मेरा थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि आप लोगों के सामने इसकी कहानी थोड़ा बहुत तो मैं बताऊं। इस मूवी में दिखाया गया कि जो मंदिर में से मूर्तियां चोरी हो जाती है, अब कौन करता है इसको लेकर जनता दबाव बनाना शुरू करती है सरकार के ऊपर कि भाई हाँ वो हमें बताओ कि कौन कर रहा है, वापिस मूर्तियों को मंदिर के अंदर लेकर आओ। इस चीज के जो ऊपर दबाव बनाती है तो इनके सामने एक पॉलिटिकल बंदा होता है ईश्वर प्रसाद, वो सबके सामने एक हीरो की तरह सबके सामने आता है, उनको दिलासा देता है कि हाँ सब चीजें ठीक हो जाएंगी वरना मैं सन्यास दूंगा फलाना फलाना। ऐसे वो होता है ना कि पॉलिटिकल एजेंडे वाले वो उसको अपने डायलॉग मारता है, पब्लिक स्टंट ऐसी चीजें होती हैं, तो लोगों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन हो जाता है, लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपना विश्वास बना लेते हैं, अपना ही उसे भगवान बना मानने लग जाते हैं। और अब जो पॉलिटिकल जो राइवल है इसको हटाना चाहते हैं एक तरीके से कि ताकि उनकी जो गद्दी है वो बच सके, और इसके ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाकर इसी को जो मूर्तियां जो चोरी हुई थी उसी के इल्जाम में इसको फंसाना चाहते हैं। और इसके लिए एक सीबीआई डायरेक्टर जो होती है सताक्षी गांगुली, हाँ वही है शायद, तो वो आती है इसको फंसाने के लिए। और इसको फंसाने के लिए एक दूसरे चंचल चौहान को बुलाया जाता है जो जेल में होती है, एक आईएएस अधिकारी होती है। अब वो आईएएस अधिकारी से जेल में कैसे गई इसके बारे में जो कहानी है वो फ्लैशबैक में ये दिखाते रहते हैं। तब चंचल चौहान को एक डील ऑफर की जाती है, अगर वो ईश्वर प्रसाद को फंसा देती है तो उसके सारे के सारे जो मतलब जो भी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, उसको उसकी जॉब वापस मिल जाएगी वगैरह वगैरह, इसको ये डील ऑफर की जाती है। और ये जो डील है जो इंटेरोगेशन है वो एक पुरानी हवेली में हो रही होती है, और वहीं उस हवेली से एक दुर्गामती का एक करेक्टर वहां से इंट्रोड्यूस होता है। अब देखो मूर्तियां कौन चोरी कर रहा है, क्या रीजन है, ईश्वर प्रसाद का क्या रोल है, चंचल की कहानी क्या है, और दुर्गामती का क्या कॉन्सेप्ट है, वो मतलब वो मिथ है असलियत है, ये सारी चीजों के बारे में तो आप देखो मूवी जब देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। मेरा काम तो यहाँ रिव्यू करने का, तो मैं तो पूरी कहानी नहीं बता सकता ना। अब देखो अगर मैं बात करूं इस मूवी में क्या अच्छा है, नहीं अभी मुझे देखो कुछ याद नहीं आ रहा, उसके लिए मुझे सोचना पड़ रहा है। बट हाँ अगर मैं इसकी नेगेटिव चीजों के बारे में बात करूं तो ये तो मेरे पास भंडार पड़ा है। सबसे पहली चीज जो इस मूवी का मुझे सबसे वीक पॉइंट वो लगा, ये मूवी सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, सबसे ज्यादा मतलब पूरी की पूरी मूवी प्रेडिक्टेबल है। अगर आप इवन ट्रेलर को ध्यान से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या होने वाला है। हाँ इसके अंदर जो लास्ट है उसमें ट्विस्ट डालने की कोशिश की गई, बट यार वो ट्विस्ट ना यार मतलब हमें वो मतलब इतने असरदार नहीं है, इफेक्टिव नहीं है कि हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए, कमजोर है बहुत ज्यादा। ये 2.5 घंटे की मूवी को अगर आप लोग इसके 10 मिनट के लास्ट देख लेते हो, हाँ जो ये थोड़े बहुत अपना इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट करवाती है लास्ट के जो 10 मिनट में, मतलब मैं कहूंगा कि आप पूरी मूवी स्किप कर लो और ये 10 मिनट देख लो, पूरी की पूरी मूवी आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि इतनी बोर करने लग जाती है उसके अंदर जब ये 2.5 घंटे वो हवेली दिखा रहे हैं, कभी कभी उस एंगल से दिखा रहे हैं, तो यार वो ज्यादा जरूरत नहीं थी उस चीज की, वो वाकई में बोर करने लग जाती है। और फिर अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की तो यार मैं कहूंगा कि एवरेज से भी बहुत ज्यादा नीचे की परफॉर्मेंस की गई है। जैसे कि हम साउथ इंडिया की जो मूवी होती है, जो तेलुगु जो तमिल जो मूवी होती है, हम जो वो देखते हैं तो उनका एक अलग ही स्वैग है, अलग ही स्टाइल है, और उसके अंदर जब भी कोई हिंदी मतलब कलाकार जाता है तो अपना एक उसके अंदर टच नहीं दे पा रहा था, ऐसा फील होता है इस मूवी के अंदर। क्योंकि इसके अंदर वही चीज है कि तेलुगु मूवी के अंदर आप एकदम से हिंदी कलाकार रख दो क्योंकि वही एक्शन है, उसको उसको ट्यून करना बहुत जरूरी होता है, जो हम हैबिचुअल हैं जो साउथ इंडिया मूवी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगते हैं मुझे, कहीं ना कहीं मुझे सारे के सारे मिसिंग लगते हैं। और इसके अलावा जो सीन शूट किए गए थे, फॉर एग्जांपल कि कोई सीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सेम सीन को अलग अलग कैमरा एंगल से शूट करना होता था, कभी सामने से कभी साइड से कभी उधर से, तो उसके अंदर वापिस के वापिस वो सेम सीन जो है वो बार बार करना पड़ता था ताकि दूसरे एंगल से उसको शूट किया जा सके, तो उस वक्त बहुत ज्यादा गड़बड़ हमें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा वीक है, मतलब कि
हम देखते हैं कि काफी सारे जो गाने होते हैं या मूवी होती है, किसी के सामने एक सामने वाले एंगल से उसके सामने कुछ नहीं रखा हुआ था, लेकिन दूसरे ही एंगल से दिखाया जाता है तो उसके सामने एक बोतल रखी नजर आ जाती है या फिर उसके साथ कोई खड़ा नजर आता है। तो ऐसा ही यहां पर हमें देखते हैं कि इसमें तो यार बोतल तो नहीं दिखती, लेकिन जो एक्सप्रेशन है कि सामने वाले कैमरा एंगल से तो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े अलग कैमरा एंगल से दिखाएं तो उसमें एक्सप्रेशन ही गायब मिलते हैं। तो काफी ज्यादा एक मुझे वीक पॉइंट लगा यार कि ये जो गड़बड़ जो हुई है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब क्रिएट करती है कि हाँ यार हमारा इंटरेस्ट यहां से खोने लग जाता है। और जिसके अंदर हॉरर का जॉनर डाला गया कि हाँ मैं डरा सके, नहीं यार उसको देखकर तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इवन जो डरना मतलब कि थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाए कि हाँ यार ये क्या काम किया, वो भी हंसी भी नहीं आती, ऊपर से हम इरिटेट हो जाते हैं। और जो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो हॉरर था, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए जो लॉजिक जो इसके अंदर दिया जाता है वो यार नहीं कर पाते यार। मैं तो ये कहूंगा कि यार तुम लॉजिक को अपने घर पे मतलब जाना कहाँ है, तुम्हें तो अपने घर पे बैठ के देखना। बट जब भी ये मूवी देखने बैठो अगर तुम्हारा दिमाग कर भी जाए, तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा बहुत ज्यादा वेला टाइम है, तुम्हें अपने टाइम को मारना ही मारना है, तो जब भी अगर तुम इस मूवी को देखने बैठते हो तो अपने लॉजिक को पहले गोली मार देना, क्योंकि यार तुम इसमें यूज करना ही मत यार बहुत ज्यादा। यार मैं बस उसके बारे में बातें नहीं करना चाहता क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, लॉजिक है ही नहीं यार। अब देखो एक छोटा सा आइडिया मेरे पास है कि भाई हाँ अगर आप लोगों को हिंदी जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना ही है तो जरूरी थोड़ा है कि किसी मूवी का अच्छी खासी मूवी जो है उसका रीमेक बनाकर उसका कचरा कर दो। अगर करना ही तो हिंदी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है तो एक तरीका ये है कि आप हिंदी सबटाइटल कर लो, अगर वॉइस ओवर भी ना कर सकते हो तो हिंदी सबटाइटल उन लोगों को प्रोवाइड कर दो, तो जिससे लोग जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज की मूवी को देख पाए। मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है जो पहली बार बनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, हम उसे अच्छे से रिलेट कर पाते। और इस तरीके का अगर आप रीमेक बना के हमारे सामने रखते हो तो जो ओरिजिनल मूवी होती है उसके प्रति भी यार बहुत ज्यादा इंपैक्ट खराब पड़ता है कि यार हाँ यार हम कहीं जिसने भी अगर ये वाली मूवी देखी तो वो ओरिजिनल मूवी की तरफ वो सोचेगा भी नहीं कि हाँ मैं जाऊं मेरे उसको देखूं भले वो बहुत ज्यादा अच्छी मूवी, तो ऐसा गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यार हिंदी सबटाइटल बेस्ट आइडिया है, आपको वो चीज करनी चाहिए। और जाते जाते यही कि यार देखो बॉलीवुड को अपना जो है वो राइटिंग स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसको यार वर्किंग कंडीशन में लाओ यार वरना बड़े बड़े जंग लग जाएगा। इवन मुझे लगता है कि उनके दिमाग में जंग लग ही गया, तभी तो देखो कॉपी पेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी आने वाले टाइम में और भी कॉपी पेस्ट आए, अबे यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ थोड़ी बहुत तो कर लो, मतलब कि खुद का दिमाग करना ही नहीं यूज, कचरे पे कचरा करना है वही कर तुम करे जा रहे हो यार, क्या मतलब क्या एक्सेप्ट करें यार भारतीय कंटेंट से कि तुम अच्छी मूवीज दोगे, एंटरटेनिंग मूवी दोगे, बिना प्रोपोगेंडा की मूवी दो, कुछ भी क्या एक्सेप्ट करें, कुछ भी तो नहीं रहा है यार। इतने टाइम से इतनी वाहियात वेब सीरीज, इतनी वाहियात मूवीज, वो धक्के से देखनी पड़ती हैं, करना पड़ता है रिव्यू ऊपर से इनकी वीडियोज को, बात करने से भी यार मन भारी हो रहा है कि यार छोड़ो यार मुझे अब और नहीं करनी है बात। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो मैं ये कहूंगा कि यार रहने देना, बिल्कुल बेशक रहने देना। हाँ कहो कि यार बहुत लोगों ने मेहनत की, बेशक की हो, लेकिन तुम्हारा टाइम है, तुम उसके लिए तो अपना टाइम खराब नहीं कर सकते ना, किसी और ने मेहनत की है, उन्होंने अपनी मेहनत की, लेकिन मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में की जानी चाहिए। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि गधे की मेहनत को सराहनीय कर दिया जाए कि हाँ बहुत मेहनत कर रहा है, भले वो बोझ ढोने का काम कर। तो मेहनत भी एक स्मार्ट वर्क के साथ होती है। तो तुम मुझे नहीं लगता कि यार तुम लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, इससे बेटर ये रहेगा कि ओरिजिनल मूवी देखो, वो यार उसके बारे में तो क्या कहूँ, लाख गुना बेटी है, मतलब बहुत अच्छी मूवी है। उसमें अनुष्का शेट्टी जो एक्टिंग है वो बहुत कमाल की है, तुम वो चीज़ें देखो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, अगर तुम्हें कुछ भी पसंद आया तो बता देना इस वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।